शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः शब्द रूपाणि कारक प्रयोगः। आपको जैसे पता होगा कि 15 तारीख से परीक्षा प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम आप लोगों को पाठ अष्टम के लिए क्लास 8 के लिए पुनरावृत्ति वर्ग चला रहे हैं। ऐसा बालः अस्ति, यह बालक है। एतौ बालौ अस्तः, यह दोनों बालक है। एते बालाः सन्ति, ये सभी बालक हैं। जनाः बालं पश्यन्ति, सभी लोग बालक को देखते हैं, मतलब एक बालक को देखते हैं। जनाः बालौ पश्यन्ति, बहुत सारे लोग दो बालक को देखते हैं। जनाः बालान् पश्यन्ति, बहुत सारे लोग बहुत बालक को देखते हैं। माता पिता बालेन प्रसीदतः, माता और पिता बालक से, माता पिता बालक से, बालक बालक माता पिता 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 से आशीर्वाद लेता है। प्रसीदतः, माता पिता बालके बालकाभ्याम प्रसीदतः, माता पिता दोनों बालक को आशीर्वाद देते हैं। जनाः बालै प्रसीदन्ति, बहुत सारे लोग बहुत सारे बालक को प्रसीदन्ति, मतलब आशीर्वाद देते हैं। माता बालाय एव कार्यम करोति, माता बालक के लिए ही कार्य करती है। पिता बालाभ्याम क्रीडकानि यच्छन्ति, पिताजी दो बालक के लिए क्रीडकानि, मतलब खेलने वाला सामान देते हैं। माता पिता किम किम न कुर्ता बालेभ्यः, माता पिता क्या क्या नहीं करते हैं अपने बालकों के लिए, मतलब बहुत बालकों के लिए। बालात किम न इच्छन्ति सर्वः, सर्वे बालक से क्या इच्छा नहीं है। बालकाभ्याम किम इच्छतः माता पिता, बालक दो बालक को अपने माता पिता से क्या इच्छा है। बालेभ्यः किम इच्छति देशः, बालक को क्या इच्छा है देश से, बहुत सारे बालक को क्या इच्छा है देश से। एतत् क्रीडनकं बालस्य अस्ति, यह खेलने के लिए बालक है। एतत् क्रीडनकं बालयो अस्ति, यह दोनों सो खेलने वाला बॉस है, छोटकी छोटकी खिलौना, ये दोनों बालक के लिए है। एतत् क्रीडनकं बालानाम् अस्ति, यह जो खेलने वाला है ये बालिकाओं सबका खेलने वाला है। माता पिता बाले स्नेहतः, माता पिता अपने बालक से प्रेम करते हैं। माता पिता बालयो स्नेहतः, माता पिता दो बालक से प्रेम करते हैं। अध्यापकः बालकेषु स्नेहतः, अध्यापक बहुत सारे बालक को प्रेम करते हैं। हे बालक किम करोसि, हे बालक तुम क्या करते हो। हे बालौ किम कुर्तः, हे बालौ तुम दोनों क्या करते हो। हे बालाः किम कुर्तः, हे बहुत सारे बालक तुम लोग क्या करते हो। पेज पलटिए, पेज पलटने के बाद शब्द रूपाणि, अकारांत जिस शब्द के अंत में अ रहता है अकारांत कहलाता है, पुलिंग शब्द है, नर बालक के समान चलेगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिस शब्द के अंत में आ रहेगा वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के समान चलेगा। उसके बाद आकारांत में दो है, एक पुलिंग वाला है कि नपुंसक लिंग वाला है, जो फल और पुष्प के समान चलेगा। इकारांत तीन होते हैं, पुलिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग। पुलिंग चलेगा मुनि के समान, नपुंसक चलेगा वाणी के समान, स्त्रीलिंग चलेगा मति के समान। हर्षि इकारांत स्त्रीलिंग नदी के समान चलेगा, इसमें इकारांत ही होता है और स्त्रीलिंग शब्द ही होता है, नदी के समान चलेगा। उकारांत पुलिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग, पुलिंग के समान साधु होगा, उकारांत नपुंसक के समान मधु होगा, स्त्रीलिंग के धेनु के समान स्त्रीलिंग होगा। उकारांत स्त्रीलिंगे होता है जो मधु के समान चलता है। ऋकारांत पुलिंग और स्त्रीलिंग, पितृ और मातृ, पितृ हो गया पुलिंग के समान, मातृ हो गया स्त्रीलिंग के समान। हलंतम पुलिंग राजन के समान, विद्वान के समान चलेगा। नपुंसक लिंग पयस पयस पय पयसी पयांसी, ऐसे रूप चलेगा नपुंसक में। स्त्रीलिंग में सरित सरित, स्त्रीलिंग में सरित और विपद, इस तरह रूप चलेगा। नर वाला देख लीजिए, नरह नरौ नरा, नरम नरौ नरान, नरेन नाराभ्याम नरे, नराय नाराभ्याम नरेभ्य, नरात नाराभ्याम नरेभ्य, नरस्य नरयो नाराणाम, नरे नरयो नरेषु,
हे नर हे नरऊ हे नरा, प्रथमा में क्या हो जाएगा नरह नरऊ नरा, द्वितीया में नरम नरऊ नरम, तृतीया में नरेन नाराभ्याम नरे, चतुर्थी नराय नाराभ्याम नरेभ्य, पंचमी नरात नाराभ्याम नरेभ्य, षष्ठी नरस्य नरयो नाराणाम, सप्तमी नरे नरयो नरेषु, सप्तमी हे नर हे नरौ हे नरा। फल के समान नपुंसकलिंग में क्या होगा, प्रथमा में फलम फले फलानी, द्वितीया में फलम फले फलानी, तृतीया में फलेन फालाभ्याम फलय, चतुर्थी फलाय फालाभ्याम फलेभ्य, पंचमी फालात फालाभ्याम फलेभ्य, षष्ठी फलस्य फलयो फालानाम, सप्तमी फले फलयो फलेषु, संबोधन हे फल हे फले हे फलानी। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए न फल फलात कौन वचन में है तो एक वचन में है, अगर पूछा जाए कौन विभक्ति है तो पंचमी विभक्ति में है, इस तरह आप याद कर लीजिएगा, हो सके तो आपको परीक्षा में भी एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा। धन्यवाद।